नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कोरोना के इस काल में आप भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कोरोना को अभी खत्म होने में समय लगेगा, इसलिए सरकार जो है लॉकडाउन को बढ़ाते जा रही है। मेरी तरह आप भी घर में पड़े पड़े बोर होने लगे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये कोरोना जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो फिर से आप लोग जॉब पे या घूमने फिरने जा सकें। पर जब तक के लिए आप लोग जो है सावधानी से चलें, मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथ जो है सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। दोस्तों, सोलर के फील्ड में आए हुए मुझे 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। किसी का घर 50 गज होता है, किसी का 100 गज, किसी का 500 गज या किसी का उससे भी बड़ा होता है। लेकिन उन सब का सेम क्वेश्चन होता है कि हम अपने घर पर कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। मुझे पता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके भी मन में आता होगा, इसलिए आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है। छोटी सी वीडियो है ये, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको अपने घर पर कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीक्स एंड सोलर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको मेरी तरफ से एक सलूट बनता है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे 50 गज के मकान से कि आप वहाँ पे कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 50 गज होते कितने हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता, कुछ लुल्ल भी होते हैं मेरी तरह। तो फ्रेंड्स, जो 50 गज होता है वो 445 स्क्वायर फुट के बराबर होता है या फीट के बराबर होता है। जो फुट और फीट होता है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो गज और यार्ड को सेम समझते हैं। ऐसा नहीं होता। जो 50 यार्ड होता है वो 450 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। दोनों में आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5 फुट का बस डिफरेंस आया है, तो इसलिए जो लोग हैं इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है उसे लगाने के लिए आपको 100 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए होता है। तो इसी हिसाब से 2 किलोवाट के लिए आपको 200 स्क्वायर फिट का एरिया चाहिए होगा। तो जो 50 गज होता है वो बराबर होता है 445 स्क्वायर फीट। इसका मतलब हम यहाँ पे 4.5 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। मगर आप यहाँ पे 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको कि कैसे लगा सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि जब आप पैनल खरीदने जाएँ तो आप मोनो टाइप के पैनल खरीदें। पैनल्स जो हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जब आप पैनल खरीदने जाएं तो मोनो के खरीदें। मोनो के अंदर भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कि मोनो पर्क के जो पैनल होते हैं वो 380 वाट, 390 वाट तक के आते हैं। ये सेम एरिया में आपको ज़्यादा वाट बना के देते हैं, तो जिससे आप 50 गज के मकान में 5 किलोवाट का सिस्टम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आज हमने सीखा कि 50 गज मकान में हम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अगर मकान 100 गज का होता तो हम उसमें 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसी तरह कितने गज का भी मकान हो, आप वहाँ का सोलर सिस्टम पता कर सकते हो कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम वहाँ पे लगेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपने भाई को याद करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।